5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज़ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री जी ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दें। मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होगी जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। एक समय था जब इस देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। आज स्थिति वह नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार बढ़ाना चाहती है।